चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन करते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट 9 का पावर एन प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। कहता है ये जो एक्सप्रेशन दी है ये 64 से आपने शो करना है कि डिवाइड हो सकती है। वेयर एवर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें एन जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, हमने बताना है ये जो एक्सप्रेशन है ये 64 से डिवाइड हो सकती है। अब 64 से कौन सी चीज़ डिवाइड होती है? अगर ऊपर वाली में भी 64 हो, नीचे भी 64 हो, तभी 64 वाली टर्म 64 से डिवाइड होगी अगर ऊपर 64 हो जाए। तो चलिए हम इस एक्सप्रेशन को लेते हैं और देखते हैं क्या ये 64 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। सो वी हैव 9 का पावर n प्लस 1 माइनस 8 एन माइनस 9 विच इज इक्वल टू, तो 9 को हमने तोड़ा, 9 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8, लिख सकते हैं ना। तो 9 को लिखा हमने 1 प्लस 8 और पावर क्या है n प्लस 1, बाहर माइनस 8 एन माइनस 9। अब ये बन गया बायनॉमियल, जब 9 को हमने ब्रेक किया 1 प्लस 8 में, 1 प्लस 8 होता है 9, तो 1 प्लस 8 का पावर 1 प्लस एन प्लस 1, तो ये बन गया बायनॉमियल। यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे, ये बाहर रखेंगे, यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम वी गेट। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये आपका एन के बदले एन प्लस 1। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम एन सी जीरो, एन के बदले एन प्लस 1 है, तो एन प्लस 1 सी जीरो, ए का पावर एन, ए आपका 1 है का पावर एन और एन के बदले एन प्लस 1, प्लस एन सी 1, एन के बदले एन प्लस 1 सी 1, ए का पावर एन प्लस 1 माइनस 1, ए आपका 1 है, 1 का पावर एन प्लस 1 माइनस 1, साथ में बी आ जाएगा, बी आपका 8 का पावर 1, प्लस एन के बदले फिर एन सी 2 हो गया, एन के बदले एन प्लस 1 सी 2, बी का पावर, ए का पावर एन माइनस 2, ए का पावर एन है आपका एन प्लस 1 माइनस 2, जो भी एन है एन के बदले एन प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर, बी आपका 8 स्क्वायर। इसी तरह एन सी 3, एन के बदले आपका एन प्लस 1 सी 3 इंटू 1 का पावर एन प्लस 1 माइनस 3, साथ में 8 स्क्वायर के बाद 8 क्यूब प्लस 1, और बाहर क्या रह गया माइनस 8 एन माइनस 9। पहले इसमें बायनॉमियल थ्योरम लगाई और लास्ट में क्या लिखा, बाहर आके ब्रैकेट से बाहर आके क्या लिखा, माइनस 8 एन माइनस 9। तो इसी तरह ये एन सी 0 ये क्या होता है 1, और 1 का कुछ भी पावर हो वो भी 1, फिर एन सी 1, एन सी 1 एन क्या है एन प्लस 1, तो एन सी 1 आपका एन है, तो लेकिन एन के बदले क्या आएगा एन प्लस 1, क्योंकि एन सी 0 जो आपका 1 होता है, 1 का पावर कुछ भी हो भी 1 होता है, प्लस एन सी 1, एन सी 1 एन ही होता है लेकिन एन के बदले क्या है एन प्लस 1, साथ में 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, साथ में 8 का पावर 1। इसी तरह एन सी 2 ये क्या होता है एन प्लस 1 सी 2, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 और 8 का स्क्वायर, साथ में 8 का स्क्वायर, फिर एन प्लस 1 सी 3, एन प्लस 1 सी 3 को वैसे ही लिख दो, खोलने की ज़रूरत नहीं है, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 और 8 का क्यूब प्लस 1, और बाहर क्या है माइनस 8 एन माइनस 9। अब ये क्या बना, 1 इंटू 1 हो गया 1, 8 इंटू एन, ये 8 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 का पावर 1 है, 8 का पावर 1 इंटू 8 हो गया 8, 8 का पावर 1 मीन्स 8, 8 वन ज़ा 8, अब इस 8 को पहले n से मल्टीप्लाई करो तो 8n, फिर 8 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8, सो 8n प्लस 8 वन ज़ा 8, प्लस ये ऐसे लिखो 8 स्क्वायर को पहले लिख दो n प्लस 1 सी 2, 8 स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर प्लस 8 क्यूब को पहले लिख दो, 8 क्यूब इंटू 1 8 क्यूब हो गया, और साथ में n प्लस 1 सी 3, और बाहर क्या है प्लस 1, और बाहर क्या है माइनस 8 एन माइनस 9, ये प्लस 8 एन और माइनस 8 एन कैंसिल। अब ये क्या हो गया 1 प्लस 8, ये भी हो गया 9 प्लस, सो 1 प्लस 8 आपका 9 हो गया, प्लस 8 स्क्वायर एन प्लस 1 सी 2, प्लस 8 क्यूब एन प्लस 1 सी क्यूब, प्लस 1, और बाहर क्या है माइनस 9। अब ये प्लस 9 और माइनस 9 भी कैंसिल, तो क्या रह गया, अब 8 स्क्वायर एन प्लस 1 सी 2 और 8 क्यूब एन प्लस 1 सी 3, ये दो रह गए, इन दोनों में 8 स्क्वायर और इसमें 8 क्यूब, तो 8 स्क्वायर कॉमन आ गया बाहर, इसका 8 स्क्वायर बाहर है तो अंदर क्या रह गया एन प्लस 1 सी 2, और इसका 8 स्क्वायर बाहर है, तीन में से दो बाहर हैं तो इसका एक एट रह गया, इसके दोनों के दोनों एट स्क्वायर बाहर है
तो अंदर एन प्लस वन सी टू रह गया खाली, इसमें एट क्यूब है, स्क्वायर बाहर है, दो बार है, तो अंदर एक एट रह गया, साथ में एन प्लस वन सी थ्री प्लस सो वन, क्योंकि माइनस नाइन और प्लस वन नाइन कैंसिल हो चुकी है। अब एट का स्क्वायर कितना होता है, 64, साथ में एन प्लस वन सी टू प्लस एट का पावर एन प्लस वन सी थ्री। अब इस ब्रैकेट वाली टर्म के बाहर क्या है, 64, यानी कि ऊपर एक्सप्रेशन में 64 आ चुका है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 64 से तो 64 कट जाएगा और ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स ये जो टर्म है, क्योंकि इसके पास 64 आ चुका है, इसलिए इसको हम 64 से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमारे पास 64 इंटू कुछ है, तो नीचे इसको 64 से डिवाइड कर x है, तो 64 से डिवाइड करें तो x आंसर आ सकता है। तो इट मीन्स जिसके पास 64 आ चुका है, वो क्योंकि इस टर्म में 64 आ चुका है, हैंस विच इज डिविजिबल बाय 64, तो इसलिए इसको हम 64 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यही पता लगाना था, क्या हम इस एक्सप्रेशन को 64 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रूव दैट समेशन होता है सम, सबको ऐड करना। आर गोज़ फ्रॉम जीरो टू एन, थ्री इज बार आर इंटू एन सी आर इज इक्वल टू फोर इज बार एन, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड में हमारी ये टर्म दी है, पहले इसी टर्म को लेते हैं। सोल्यूशन वी हैव समेशन ऑफ आर गोज जीरो टू एन, थ्री इज बार आर एन सी आर इज इक्वल टू फोर इज बार एन। तो नाउ पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हमारी, वी हैव लेफ्ट हैंड साइड समेशन आर गोज फ्रॉम जीरो टू एन, थ्री इज बार आर एन सी आर। अब एन सी आर को पहले लिखेंगे विच इज इक्वल टू समेशन आर गोज टू जीरो एन, अब एन सी आर को पहले लिखेंगे, थ्री आर को बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समेशन मीन्स जीरो से शुरू हो जाओ वैल्यू देनी, आर को किसको, आर की वैल्यू देते हैं। तो पहली वैल्यू हम जब देंगे तो ये क्या बनेगा, एन सी आर को पहली वैल्यू जीरो दी, जीरो वन टू थ्री एन तक देते रहो, एन सी आर को पहली वैल्यू दी जीरो, तो थ्री का पावर हो गया जीरो। फिर एन सी पहले आर की वैल्यू जीरो दी थी, अब एन सी आर की वैल्यू वन दी, थ्री का पावर आर की वैल्यू वन, प्लस एन सी आर की वैल्यू टू दी, थ्री का पावर टू, प्लस सो ऑन, लास्ट में एन सी एन तो थ्री का पावर, अब आर की वैल्यू एन दी, एन सी एन थ्री का पावर भी हो गया, पावर आर है तो थ्री का पावर भी एन। तो एन सी एन मीन्स आर की जो वैल्यू है वो एन दे दी हमने, तो यहाँ पर भी थ्री का पावर एन हो गया। तो हमने आर गोज़ फ्रॉम जीरो टू एन का मतलब होता है समीशन में कि आर की वैल्यू जीरो से लेकर एन तक देते जाइए। पहले हमने एन सी जीरो जीरो वैल्यू दी तो थ्री का पावर जीरो हो गया, फिर वन वैल्यू दी तो थ्री का पावर वन हो गया, फिर टू वैल्यू दी आर की, इसमें थ्री का पावर टू हो गया, फिर इसमें थ्री वैल्यू दी, फिर इसमें लास्ट में एन वैल्यू दी, पहले जीरो दी तो जीरो तो थ्री का पावर जीरो, वन थ्री का पावर वन, फिर एन सी टू थ्री का पावर टू, और लास्ट में एन सी एन थ्री का पावर एन। अब आप देखोगे एन सी जीरो अगर हम लिख दें वन का पावर एन, यानी थ्री का पावर जीरो, किसी भी चीज़ का पावर जीरो हो उसकी वैल्यू वन होती है। तो अगर हम लिख दें एन सी जीरो वन का पावर एन, अपनी मर्जी से हमने एन दे दिया, थ्री का पावर जीरो क्या हुआ वन, और वन को मैंने लिख दिया पावर एन, क्योंकि वन का पावर कुछ भी हो तो वन ही होता है, प्लस एन सी वन इसके साथ मैंने रख दिया वन का पावर, पहले मैंने एन दिया था, अब क्या दे रहा हूँ, एन में से एक कम गए, एन माइनस वन और थ्री का पावर वन अपना साथ था, क्योंकि वन का पावर एन सी एन माइनस वन कुछ भी दे दो तो वन ही रहेगा, और वन को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एन सी टू अब एन का पावर एन माइनस टू, वन का पावर, अब ये वन मैंने अपनी मर्जी से लाया, क्योंकि वन मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वन का पावर कुछ भी हो वन ही रहता है, वन का पावर एन माइनस वन तो वन ही रहेगा, और वन मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं, क्योंकि थ्री वन वहीं था, थ्री स्क्वायर भी अपना था, सिर्फ मैंने यहाँ पर वन को इंट्रोड्यूस किया, उसका पावर एन लिया, क्योंकि वन का पावर कुछ भी हो वन होता है, और वन को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एन सी टू वन का पावर एन माइनस टू, थ्री का पावर वन था थ्री का पावर टू, प्लस सो वन एन सी एन थ्री का पावर एन। अब आपने देखा है ये एन सी जीरो वन इज बार एन, एन सी वन वन इज बार एन माइनस वन, तो ए की जगह वन है और बी की जगह क्या है थ्री, तो ये फार्मूला बन गया ए वन, ए की जगह वन है, बी की जगह थ्री हो गया, वन प्लस थ्री का पावर एन का फार्मूला। तो ए की जगह क्या है विच इज इक्वल टू, ए की जगह वन है और बी की जगह क्या है थ्री, तो वन प्लस थ्री का पावर एन। जब हम इसको खोलेंगे वन प्लस थ्री का पावर एन को बाइनरी में खोलो तो क्या आएगा, एन सी जीरो वन का पावर एन प्लस
एन सी वन, वन का पावर एन माइनस वन, साथ में थ्री का पावर वन, फिर एन सी टू, वन का पावर एन माइनस टू और थ्री का पावर टू, प्लस लास्ट में एन सी एन और थ्री का पावर एन। इसको हम खोलेंगे तो ये सारा खुलेगा, इस बाय नंबर को खोलेंगे तो ये खुलेगा। तो बंद किया, ए की जगह वन लो, बी की जगह थ्री और पावर एन, तो वन प्लस थ्री पावर एन, तो वो कितना होता है, वन प्लस थ्री पावर एन बन जाएगा ये। जिस तरह आप इसको खोल के ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, इस तरह इसको बंद करके ये आएगी, ए की जगह वन है और बी की जगह थ्री है, तो वन प्लस थ्री और पावर क्या है, एन, क्योंकि एन सी जीरो एन से शुरू हो रहा है, तो पावर एन, वन प्लस थ्री पावर एन, तो कितना हो गया, वन प्लस थ्री हो गया फोर का पावर एन। तो राइट साइड में क्या था, फोर का पावर एन, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड हमने ली थी वो राइट के बराबर आ गई, हैंस प्रूव्ड। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।